पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के चेयरमैन बिलावल भुट्टो जरदारी का कहना है कि चेयरमैन तहरीक इंसाफ के खिलाफ तहरीक अवामी ताकत से कामयाब हुई। हमने मुसल्लत किए गए सिलेक्टेड वजीर आजम को घर भेजा, कहा कि इंतखाबात की तारीख का पता न मुझे है न इलेक्शन कमीशन को, लेकिन एक जमात फरवरी में इंतखाबात की तारीख का ऐलान कर रही है, इसलिए कहता हूँ कि लेवल प्लेइंग फील्ड नहीं मिल रहा। इस बेयकीनी की सूरत हाल का खात्मा होना चाहिए, बोले कि पीटीएम से हम अलग हो चुके हैं। इलेक्टेड हुकूमत के खिलाफ तहरीक चलाए थे तो उस वक्त भी मुजफ्फरगढ़ के अवाम ने पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के साथ दिया, पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के लॉन्ग मार्च में साथ दिया। आपकी साथ की वजह से हम कामयाब हुए और उस नाजायज ना अहल ना लायक वजीर आजम को जो आप पे मुसल्लत किया गया था, जो पाकिस्तान पे मुसल्लत किया गया था, जिसकी वजह से पाकिस्तान में ना सिर्फ मुआशी बहरान, जमहूरी आइनी बहरान, मगर खारजा सतह पे खारजा बहरान भी पैदा किया गया। पाकिस्तान के शहरी से मिलता आ रहा हूँ, उनके शक्लें पे लिखा हुआ है कि पाकिस्तान के अवाम परेशान है कि बिजली का बिल पूरा कैसे होगा, वो परेशान है कि बच्चे को हम स्कूल कैसे बेचेंगे, फीस कैसे अदा करेंगे, बुजुर्गों का इलाज कैसे करवाएंगे। मेरा ख्याल में इलेक्शंस होने चाहिए, जल्द से जल्द होने चाहिए। ना अब मुझे नहीं पता कि इलेक्शंस हैं, आपको नहीं पता कि इलेक्शंस कब है, इलेक्शन कमिश्नर साहब को नहीं पता कि इलेक्शंस कब है।